अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई स्टूडेंट ने ये बात कही कि जी पॉवर्टी क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, यानी देर आर सम स्टूडेंट हु ट्राई टू रेज, आई मीन दैट इज़ अ स्लोगन दैट वाई नॉट पॉवर्टी। एक्चुअली पॉवर्टी मे बी टेम्प्टिंग, इज दैट क्लियर? पॉवर्टी मे बी टेम्प्टिंग सिंस इट हैज टू डू विद मनी, ठीक हो गया, बट लैक ऑफ मनी इज नॉट द अपोजिट ऑफ विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। यानी बात यह है कि गुर्बत जो है वो आपको उभारती है, लेकिन इसका तलब पैसे से है, लेकिन इसका पैसा ना होना इज नॉट द अपोजिट ऑफ विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। सो दिस इज नॉट अवर आंसर। अब समझ आई? अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक हो गया। अगला है मर्क्यूरियल, इज दैट क्लियर? मर्क्यूरियल यानी मर्क्यूरियल, आई वुड लाइक टू टेल यू द फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ मर्क्यूरियल, इज दैट क्लियर? मीन मर्क्यूरियल मीन फिकल माइंडेड, ठीक है, यानी एक जगह पर ठहरने वाला ना। मर्क्यूरियल फिकल माइंडेड, ठीक है, ऐसी चीज जो एक जगह पर कायम ना रहे, स्लिप हो जाए, यानी अपने अगर डिटर्मिनेशन है तो उसमें सही डिटर्मिनेशन ना हो, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाना, ठीक है। और अगला है डल, डल इधर क्लियर? डल को कहते हैं बोरिंग, ब्लंट भी कहते हैं, बोरिंग, बड़ा बोर। और सेकुलर, इसको इस तरह समझ ले कि नॉट रिलीजियस, सेकुलर मीन नॉट रिलीजियस, ठीक हो गया। और अगला है नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक यानी नॉट पॉइजनस, जहर लूद ना होना, ठीक है। और अगला है स्टेबल, ये एडजेक्टिव है, सिक्योर, ठीक है, रेजिस्टेंट, तो गैसेस, गैसे। और अब देखें मर्क्यूरियल, जब हम बात करेंगे मर्क्यूरियल की, फिकल या इस दूसरे लफ्ज़ों में अपने बात पर कायम ना रहने वाला, या मर्करी से ये वर्ड निकला है, यानी चेंज हो जाना, अप एंड डाउन। अब हमारे पास पांच ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है डल, जिसका मतलब बोरिंग, सेकुलर का मतलब है नॉट रिलीजियस, मतभी ना होना, और नॉन टॉक्सिक नॉट पॉइजनस, और स्टेबल ये एडजेक्टिव है, सिक्योर, रेजिस्टेंट, यानी के मर्क्यूरियल का मतलब फिकल माइंडेड या अपनी एक जगह पर कायम ना रहना, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन स्टेबल का मतलब एक ही जगह पर रुके रहना। तो दिस इज अवर आंसर, फोर इज अवर आंसर, इज दैट क्लियर? चले अब हम आगे चलते हैं।